इलेक्ट्रिसिटी अर्थात बिजली एक मूलभूत आवश्यकता है जिसके बिना आज मानव कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे मोबाइल फोन से लेकर घरेलू उपकरण की बात करूं या बड़ी फैक्ट्रियों में लगी मशीनों की, सबके लिए बिजली का क्या महत्व है ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं। इन जरूरतों को देखकर कभी तो आपके मन में भी सवाल उठा होगा कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी की खोज या आविष्कार किसने, कब और कैसे किया होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल पायलट। चलिए शुरू करते हैं। BCE 2720 उस समय लोगों का मानना था कि कुछ मछलियों को छूने से बिजली के झटके महसूस होते हैं, पर उस वक्त भी आकाशीय बिजली चमकती तथा गिरती थी, जिसे देखकर लोग दैविक शक्ति मानते थे और डरते थे। दोस्तों, इससे यह तो पता चलता है कि वातावरण में बिजली सदियों से मौजूद है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि बिजली का आविष्कार नहीं बल्कि खोज हुआ है, क्योंकि आविष्कार तो उस चीज का हो सकता है जो पहले से कभी मौजूद ना रहा हो, पर बिजली तो पहले से मौजूद थी, इसलिए हम कहेंगे कि बिजली की खोज हुई है। परंतु आकाशीय बिजली को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, पर उसे देखकर ही भविष्य में DC तथा AC करंट का आविष्कार होना बाकी था, जिसे आज हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, बिजली की खोज या आविष्कार किसी एक समय में या किसी एक इंसान ने नहीं की, बल्कि इसके खोज के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी कई वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च एवं सुधार कर इसे इस्तेमाल करने लायक बनाया गया। विस्तार से जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। 600 BCE यूनान के फिलोसोफर थेल्स ने पता लगाया कि एम्बर को खाल में रगड़ने से वह हल्की चीज जैसे पंख आदि को आकर्षित करता है। जानकारी के लिए बता दूं कि एम्बर पेड़ों से निकलने वाला एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो सूखकर ठोस बन जाता है। उस समय में एम्बर का इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता था, क्योंकि एम्बर का रंग काफी हद तक सूर्य से मिलता जुलता था और ग्रीक में सूर्य के लिए हेलेक्टर शब्द का प्रयोग किया जाता था, और एम्बर के रंग तथा उसके उपयोग के कारण उसे बाद में इलेक्ट्रॉन कहा जाने लगा। समय बीतता गया, अनेक तर्क वितर्क होते रहे, बहुत से थ्योरीज सामने आई, कुछ पर लोग चर्चा करते तो समय के साथ कुछ को लोग भूलते गए और लोगों में इन सब बातों के लिए जिज्ञासा कम होता गया, जिस वजह से कई सालों तक इन सभी थ्योरीज में कोई तरक्की नहीं हुई। 16वीं शताब्दी विलियम गिलबर्ट ने सन 1600 में अपनी रिसर्च पर एक किताब लिखा और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत आवेश के बारे बताते हुए कहा कि सिर्फ एम्बर ही नहीं, अन्य चीजों पर जैसे कंघी, कांच इत्यादि को भी रगड़ने से यह गुण प्राप्त होता है, और उसने एम्बर के इस आकर्षण करने वाले गुण को इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम दिया। साथ ही गिलबर्ट ने एक यंत्र बनाया जिसे यह पता लगाया जा सकता था कि किसी चीज में इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं, उस यंत्र का नाम इलेक्ट्रोस्कोप रखा। गिलबर्ट के बाद बहुत से वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रिसिटी पर रिसर्च किया, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। 18वीं शताब्दी एक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस पर काफी रिसर्च किया। उसने इलेक्ट्रिसिटी पर रिसर्च तथा एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दिए। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर वह कितने उत्सुक थे। सन 1752 में फ्रैंकलिन ने एक पतंग को तब उड़ाया जब आसमान में बिजली चमक रही थी और पतंग की डोर पर एक लोहे की चाबी बांध रखी थी। हल्की बारिश के वजह से डोर गीली हो चुकी थी, बिजली आसमान से पतंग पर गिर रही थी और डोर से होते हुए चाबी तक और चाबी से फ्रैंकलिन के हाथों तक, जिस वजह से उन्हें हल्के झटके महसूस हुए, पर इस बिजली को अब भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। सन 1792 में अलेक्जेंड्रा वोल्टाज ने अलग अलग मेटल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार सफलता प्राप्त करते हुए सन 1800 में वोल्टाज ने बैटरी का आविष्कार किया। यह बैटरी जिंक और कॉपर की अल्टरनेटिव पट्टियों से बनी थी, जिसे सॉल्ट वाटर या सोडियम हाइड्रोक्साइड में डुबा कर रखा जाता था। यह बैटरी DC करंट
प्रदान करती थी। इस आविष्कार के वजह से इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट पर एक नई लहर की शुरुआत हुई। सन 1821 माइकल फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब डीसी करंट को किसी वायर से प्रवाहित किया जाता है और उसे किसी चुंबक के नज़दीक लाया जाता है तो वायर के ऊपर एक फोर्स लगता है। इसी तर्क पर फैराडे ने दुनिया का पहला डीसी मोटर का आविष्कार किया। इसी एक्सपेरिमेंट को आगे जारी रखकर फैराडे ने सन 1831 में उन्होंने एक डायनमो का आविष्कार कर दिया। जानकारी के लिए बता दूं कि डायनमो एक यंत्र होता है जिसे घुमाने पर डीसी करंट पैदा होता है। सन 1879 में अमेरिकन आविष्कारक थॉमस एडिसन ने अनेक विफलताओं के बाद आखिरकार एक बल्ब का आविष्कार किया जो कि डीसी करंट पर काम करता था। थॉमस एडिसन वैज्ञानिक के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी थे, इसलिए वह जानते थे कि बल्ब का इस्तेमाल तभी मुमकिन है जब लोगों तक डीसी करंट पहुंचेगा। तब उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनी लगाई जिसमें उन्होंने बड़े बड़े डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जो कि डीसी करंट पैदा करता था, परंतु डीसी करंट को 2 से 3 किलोमीटर तक ही पहुंचाया जा सकता था। इसका नुकसान यह था कि हर 2 से 3 किलोमीटर के बाद एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हाउस अर्थात विद्युत उत्पादन घर लगाना पड़ता जो कि काफी महंगा सौदा था। थॉमस एडिसन के कंपनी में एक वैज्ञानिक निकोला टेस्ला भी काम किया करते थे। निकोला टेस्ला अपने कॉलेज के दिनों से ही एसी करंट पर रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने एसी के बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च कर ली थी। उन्होंने थॉमस एडिसन को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे बताया, पर थॉमस एडिसन ने उनको अपनाने से इनकार कर दिया और कहा कि जो भी एक्सपेरिमेंट तथा रिसर्च करना है डीसी जनरेटर पर करे। इसके बाद निकोला टेस्ला ने उनकी कंपनी को छोड़ दिया और अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखा। आखिरकार सन 1887 में निकोला टेस्ला ने एसी जनरेटर का आविष्कार कर डाला। अब एसी करंट को दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता था। यहीं से एसी करंट का प्रचलन शुरू हुआ। इस बीच बहुत सी घटनाएं हुई जिसे आज एसी तथा डीसी वॉर के नाम से जाना जाता है। आखिरकार बहुत मेहनतों के बाद एसी करंट का आविष्कार हुआ और समय के साथ विस्तारीकरण, तब जाकर आज हमारे घरों तक एसी करंट पहुंचता है जिसे हम घरों में उपयोग करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।